दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आप किसी भी प्रकार की गाड़ी लोन पे लेते हैं, ठीक है, आप बाइक जो लोन पे लेते हैं, कोई भी बाइक जो हीरो से लोन पे लेते हैं, हीरो कंपनी से जो भी बाइक आप लोन पे लेते हैं, लोन पे लेने के बाद आपको किस्त जमा करना होता है। किस्त जमा करने के लिए तीन तरीका होते हैं। पहला तरीका होता है कि अपने अकाउंट में रुपया रख दीजिए और वो ऑटोमेटिक काट लेगा आपका ईएमआई। दूसरा ऑप्शन होता है, जब आप समय पर नहीं दे पाते हैं तो आपके घर पे उनके स्टाफ आते हैं, वहाँ पे आपको फाइन के साथ लेता है। और तीसरा एक तरीका है कि आप ऑनलाइन अपने लोन को, अपने किस्त को जमा कर सकते हैं। तीन मेथड है और तीन तरीका है। तो दो तो नॉर्मली है और तीसरा इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरह अपने ईएमआई को, आप अपने बाइक के ईएमआई को ऑनलाइन पेड कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो सारा चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ भी मैंने ऑलरेडी आपके काम के बहुत सारे वीडियो बना के पहले से ऑलरेडी रख दिया है, तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख लीजिए। आपके काम के बहुत सारे वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप बिहार से हैं या किसी भी राज्य से, तो आपको हर एक राज्य के काम की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हीरो से लिए किसी भी प्रकार का मोटरसाइकिल, बाइक, तो आप उसका ईएमआई ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप हीरो की इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद आपको करना कुछ नहीं, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट इट पेमेंट मोड एंड पे ऑनलाइन। यहाँ पूछ रहा है आप किस तरह पेमेंट करना है। ई वॉलेट, ई वॉलेट मतलब पेटीएम या आइडिया मनी या वोडाफोन एमपैसा या एयरटेल, इस वॉलेट से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, जिससे करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग पे क्लिक करता हूँ। नेट बैंकिंग पे क्लिक करने भी उसके बाद पूछ रहा है कौन सा बैंक है आपका नेट बैंकिंग। यहाँ पे कुछ लोगों दिए गए, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारे बैंक आपको मिल जाएंगे। जो बैंक वो बैंक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे कि नया टैब इस तरह ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ईएमआई जमा करने का, पे योर ईएमआई इन 3 सिंपल स्टेप, यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप जिसके द्वारा अपने ईएमआई को आप पेड कर सकते। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप, आपके पास क्या लोन अकाउंट नंबर है या एप्लीकेशन आईडी। लोन अकाउंट नंबर है तो उससे आप कर सकते हैं, या एप्लीकेशन आईडी है तो उससे कर सकते हैं। एप्लीकेशन आईडी हमारे पास है तो एप्लीकेशन आईडी देंगे। जब आप लोन लेते हैं, जब आप बाइक लेते हैं, तो वहाँ पे आपको लोन नंबर मिलता है और एप्लीकेशन आईडी। अगर नहीं आपके पास तो आपके पास एसएमएस भी आता होगा, आपका इतना ड्यूज है, तो उसी में आपका एप्लीकेशन आईडी भी हो रहता है। देखिए मेरे पास एक एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए मैसेज आया हुआ है, ठीक है, तो पेड करने के लिए। और यहाँ पे मेरा जो लोन एप्लीकेशन नंबर वो भी मैसेज में दिया गया था, तो मैं उस मैसेज को, मैसेज में जो दिया गया था उसको मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारी बाइक की पूरी डिटेल आ गई, किन के नाम पे है, लोन अकाउंट नंबर क्या है, एप्लीकेशन आईडी क्या, लोन कितने का था, कौन सा बाइक था, कौन सा मॉडल था, और लोन ईएमआई अमाउंट कितना है, कब से स्टार्ट हुआ था ईएमआई और कब खत्म होगा। ठीक है, अभी हमको कितना पेड करना वो भी यहाँ पे 9378 रुपये, इसका किस प्रकार मतलब यहाँ ड्यूज ईएमआई ओवर जो है वो है, लेट फीस है, उसके चेक बोनस चार्ज भी यहाँ पे दिया गया है। टोटल 9378 रुपये मेरा चार्ज है। तो यहाँ पे जितना आप जमा करना चाहे तो उतना, मैं अभी 10 रुपये करना चाहता हूँ, तो 10 इंटर करके उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। हमारा बिल है, हमारा किस्त इतना का, लेकिन हम 10 जमा करना चाहते, उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद ये फिर से पूछ रहा है कि आप किस माध्यम से जमा करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फिर से नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फिर से आपका बैंक, कौन सा बैंक का नेट बैंकिंग आपके पास है। तो हमारे पास स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद पे
₹10 पे क्लिक कर दें। जितना आप जमा करना चाहते हो उतना आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रहेगा इतना आपको किस्त जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट करके आपको पेमेंट मोड पे ले आएगा और यहाँ से आप नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ से इस तरह आएगा और यहाँ पे कंफर्म मांगेगा, तो फिर से आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपके रजिस्टर मोबाइल पे जो भी मोबाइल नंबर आपका नेट बैंकिंग से जुड़ा होगा, अकाउंट से जुड़ा होगा, उस पर एक OTP आया होगा, वन टाइम पासवर्ड। उस OTP को आप इस बॉक्स में इंटर कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे मैंने OTP को इंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने कंफर्म बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट जो है कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह रिडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहा कह रहा है थैंक यू पेमेंट और ₹10 क्रेडिट योर हीरो फिन लोन, ठीक है, और लोन अमाउंट 3 से 4 दिन क्रेडिट हो जाएगा लोन अकाउंट इन 3 से 4 डे में सब्जेक्ट टू बैंक। मतलब ये कह रहा है आपका जो पेमेंट वो सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया है और लोन अमाउंट इन 3 से 4 दिन 3 से 4 वर्किंग डे में ये जमा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रिसीव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या अनदर अब दूसरे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड रिसीव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह का एरर आ गया है, लेकिन हमारे नीचे में यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह का एरर आया है, लेकिन नीचे में ये हमारा रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो चुका है। तो अब चलिए मैं रिसिप्ट को भी डाउनलोड हुआ है जो उसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का आपका लोन अमाउंट नंबर, कस्टमर नेम, गाड़ी के प्रकार, कौन सा गाड़ी, कितना जमा हुआ, ट्रांजेक्शन आई डी, डेट और स्टेटस क्या, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप कर सकते हैं अपनी बाइक के ऑनलाइन पेमेंट जमा। तो मैं तो सिर्फ बताने के लिए आपको ₹10 जमा किया था, और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी आपको दिया गया है और ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने इस यूट्यूब चैनल जीसान मॉनिटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे ऑनलाइन अपनी गाड़ी की किस्त ऑनलाइन जमा कर सके। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं ₹10 मेरा मैंने अभी पेड किया तो हमारे अकाउंट से ₹10 कटा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटा। होता है बहुत सारे इसमें ऑनलाइन पेमेंट की जो चार्ज होता है उसके चार्ज के अलावा ट्रांजेक्शन चार्ज भी कटता है। तो इसमें मैंने ₹10 किया तो ₹10 ही कटा, ₹11 नहीं कटा, ₹1 ज़्यादा नहीं कटा। तो ये बहुत अच्छा इसका सर्विस है ऑनलाइन पेमेंट का, जितना किस्त उतना ही कटेगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए कैसा लगा वीडियो हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए रोज़ इस चैनल पर लाता रहूँगा।